आज का विषय है ऊर्जा संसाधन। आप जानते हैं कि जीवन में ऊर्जा के बिना कोई चीज़ संभव नहीं है, और आज ऐसा ऊर्जा संसाधन पढ़ाएंगे कि जीवन भर आपको याद रहेगा, और यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे UPSC हो, चाहे UPTPLSC हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो या PET हो, कोई भी एग्जाम वन डे है उसमें ऊर्जा संसाधन का एक क्वेश्चन 100% श्योर रहता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऊर्जा संसाधन क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ऐसे संसाधन जिनके माध्यम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। और उत्तर प्रदेश में विद्युत ऊर्जा उत्पादन के दो मुख्य स्रोत हैं, पहला है बच्चों जल और दूसरा है कोयला। पन बिजली परियोजना आप सुने हैं, पढ़े हैं। वर्तमान में बदलती हुई परिस्थितियों और ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए पारंपरिक स्रोतों के साथ गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है और भूतापी ऊर्जा है के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों, आज देखा जाए तो सूर्य भगवान से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं, और सोलर लाइट आज बहुत सहयोग कर रही है ऊर्जा प्राप्ति के स्रोत में, और पवन ऊर्जा का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ पर आपका हवाएं तेज बहती हैं, जिससे राजस्थान है। तो जब हवाएं तेज बहती हैं तो वहाँ पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है, पवन चक्की लगा देते हैं जिससे एक टरबाइन होती है ऐसे, और इस पे जो है ऐसे पंखुड़ी बना के लगा देते हैं इस तरह से, जब हवाएं तेज चलती तो चलता है, जब मूवमेंट करेगा तो उसी पे जो है ये ऑलरेडी आपको ऊर्जा मिलती है। भूतापी ऊर्जा जो पृथ्वी के नीचे से भूगर्भ से जो ऊर्जा मिलती है, गर्मी प्राप्त होती है, वह भूतापी ऊर्जा कहलाती है। तो बच्चों, इस तरह से ये है। और उत्तर प्रदेश में वर्ष 2000 में विद्युत सुधार अधिनियम 1999 लागू किया गया। 1999 में विद्युत सुधार अधिनियम को लागू किया गया, और इस अधिनियम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का समस्त परिसंपत्तियां, अधिकार और दायित्व, कर्मियों को 3 नियम स्थानित किया गया। और बच्चों, 2000 से ही विद्युत के क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ, और आज बिजली की आपूर्ति की जा रही है। बिजली की सबसे बड़ी समस्या है बिजली चोरी और समय से बिजली बिल ना जमा करना, ये प्रॉब्लम भारत की है। अगर ये दो चीज़ सुधार दिया जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली भारत के लोगों को मिल सकती है, बिजली की कटौती कभी की ना जाए। लेकिन भारत के लोग कैसे हैं आप जानते हैं। और बता दें आपको, निम्नलिखित है बच्चों, पहला है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये विद्युत के प्रक्षेपण एवं वितरण के लिए, विद्युत निर्माण के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ये बिजली का वितरण किस ज़िले में कितना होगा, किस क्षेत्र में होगा, ये वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम, और ये जल विद्युत परियोजना यानी बिजली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और डैम की स्थापना होती है और जहाँ पे बिजली का निर्माण किया जाता है, और बिजली का निर्माण करने के बाद उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भेज दिया जाता है, और वहाँ से बिजली की आपूर्ति की जाती है, वितरण किया जाता है। और बच्चों, तीसरा है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम। तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन जो निगम है, ये तापी विद्युत उत्पादन के लिए
प्रमुख रूप से जाना जाता है। और 2009 में शहरी क्षेत्रों में वितरण और शुल्क संग्रह के लिए फ्रेंचाइजी व्यवस्था की गई। आज जो आप देखते हैं आपके गांव में जो मीटर निकालने वाला जो आता है लड़का, वो एक ठेकेदार प्रथा से काम करता है। उसको पर डे इतने मीटर टच करना है, उसकी बिजली निकालना है, इस तरह से होता है। और लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं, इसकी शुल्क वसूल के जमा करते हैं। तो प्रायोगिक तौर पर 2010 में ये प्रक्रिया शुरू की गई और निगम लिमिटेड बनाया गया और आगरा के विद्युत वितरण और शुल्क संग्रह की जिम्मेदारी जो है 20 वर्षों के लिए एक निजी क्षेत्र की कंपनी थी, टोरेंट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसको दी गई कि आप इसकी वसीली करिए और वितरण का कार्य करिए। तो इस तरह से इसको जिम्मेदारी दी गई। और सबसे पहले एग्ज़ाम में आएगा जो क्वेश्चन कि विद्युत वितरण के लिए प्रायोगिक तौर पर कब शुरू किया गया, 2010 में, और कौन सा ऐसा यूपी का ज़िला था, तो आपका आगरा। आगरा वही जो ताज नगरी है बच्चों, जहाँ पे ताजमहल बनवाया गया है, ठीक है ना। और ये यमुना नदी के किनारे अवस्थित शहर है। और आगरा जो है मुग़लों की राजधानी था, शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया। यहाँ पे लाल किला है, आगरा का किला है। और आपको बता दें यहीं से कुछ दूर बाद फतेहपुर सीकरी शहर बसाया गया है, जो अकबर के सपनों का शहर था। और वहाँ पे जोधाबाई महल, पंचमहल, बहुत कुछ था, है वहाँ पे आज भी। तो चलिए उसकी बात हिस्ट्री वाली वीडियो में आपसे हमने किया, देख लीजिएगा। और 2007 में बच्चों, 10वें वहाँ, 2007 में ग्रामीण क्षेत्रों में शुल्क वसूली के लिए फ्रेंचाइजी व्यवस्था की गई। और ये वाराणसी, लखनऊ, आगरा, मेरठ में शुरू की गई थी। तो वाराणसी जानते हैं आप लोग, बाबा नगरी है। और वाराणसी को जानते हैं आप, बाबा विश्वनाथ की नगरी। लखनऊ नज़ाकत नफासत का शहर है, नवाबों का शहर, जानते हैं आप लोग, कहानी सुनाए हैं आपको। आगरा बता ही दिया हमने, मेरठ को क्रांति नगर कहते हैं। तो बच्चों यहाँ से ये चीज़ें शुरू की गई हैं। अगला है ताप विद्युत परियोजना। तो उत्तर प्रदेश की राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ताप विद्युत संयंत्र निम्नलिखित हैं, और NTPC समझते हैं ना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो वही NTPC है जिसकी आप लोग फॉर्म डाल के परीक्षा दे के आए अभी। तो इसमें पहला जो संयंत्र स्थापित किया गया था वो हरदुआगंज में है। और हरदुआगंज कहाँ है बच्चों, अलीगढ़ में। कहाँ है आपका, अलीगढ़। और अगर अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ के ताला बहुत मशहूर है, ताला अलीगढ़ वाला, जानते हैं आप लोग। कैचियाँ, छुरे, लोहे के सामान ज़्यादातर अलीगढ़ में बनते हैं। ओबरा की बात करें बच्चों तो सोनभद्र में है। और यहाँ जो जानते हैं सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का आकार गेंडे के आकार का होता है, और ये दक्षिण जिला है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र। और खनिजों से भरपूर जिला है, नाम है सोनभद्र ना, ऐसे यहाँ बहुत से खनिज पाए जाते हैं। और दक्षिणी जिला है आपका यूपी का सोनभद्र। और बच्चों यहाँ पे ऐसा हाईवे है जहाँ जो चार राज्यों को टच करता है सोनभद्र, आपका है उत्तर प्रदेश है, उत्तरांचल है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, और आपका बिहार है, इन राज्यों को टच करता है ये आपका सोनभद्र। और अनपरा की बात करें तो ये भी आपका कहाँ है, सोनभद्र में, क्योंकि यहाँ पे कोयला ज़्यादा प्राप्त होता है और खनिज लवण से युक्त जनपद है, इसलिए यहाँ पे आसानी से कच्चे मटेरियल उपलब्ध हो जाते हैं। और पनबिजली परियोजना का विकास किया गया है। और बच्चों अगली बात करें परीक्षा की, तो परीक्षा पनबिजली केंद्र जो है आपका झांसी में है। और झांसी की बात करते हैं तो फिर रानी लक्ष्मीबाई को बिना लिए पूरा ही नहीं सकता, झांसी की चर्चा नहीं कर सकता। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी। और बच्चों जानते हैं कि
कैप्टन हीरोज ने कहा था कि क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। और रानी लक्ष्मीबाई के नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मनु है, छबीली है ना, तो इस तरह से इसका ऑलरेडी नाम भी है। तो जो हम बता रहे थे रानी लक्ष्मीबाई, फिर दूसरी बात करते हैं, पनकी की बात करते हैं बच्चों। तो पनकी जल विद्युत परियोजना आपका कानपुर में है, और कानपुर जो है आपका एक बहुत बड़ा औद्योगिक शहर था, आज भी है बच्चों। और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहते हैं, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहते हैं। और कानपुर में कई मिलें हैं, कपड़ा मिलें हैं, सूती कपड़ा मिलें हैं, लाल इमली मिलें हैं, फर्टिलाइज़र की कंपनियां हैं, बिजली परियोजना है, तो औद्योगिक शहर है कानपुर। और आपको बता दें बच्चों कि कानपुर से अब फैक्ट्रियों को हटाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ की गंगा को इतना कंपनियों ने गंदा कर दिया कि पूरे यूपी में सबसे गंदा शहर कानपुर माना जाता है। वहाँ के हवाओं में जहर फैल गया है, गंगा जल जो अमृत के समान है उसमें काला पड़ गया है। तो सबसे ज़्यादा गंगा जो गंदी है वो कानपुर में ही है, इसलिए कानपुर को धीरे धीरे वहाँ से उद्योगों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो पनकी जो पन बिजली परियोजना है वो कानपुर में है। 1942 में स्थापित जो हरदुआगंज ताप विद्युत गृह है, ये राज्य का सबसे पुराना विद्युत गृह है। आपसे एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है, कई बार NTPC में आया हुआ है, SSC में पूछा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना ताप विद्युत केंद्र कौन सा है, तो आप बताएंगे हरदुआगंज, जो 1942 में स्थापित किया गया है। और बच्चों फिर उसके बाद 1967 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से इस विद्युत गृह को पुनरुद्धार किया गया, अर्थात जीर्णोद्धार किया गया, और पूर्ण रूप से ये विकसित है। और आज भी विद्युत का उत्पादन इसके माध्यम से किया जा रहा है। और अगर ओबरा ताप विद्युत केंद्र की बात करें बच्चों, तो आज़ादी के बाद इसकी स्थापना की गई पूर्व सोवियत संघ, जिसको आज हम लोग रूस कहते हैं, रसिया, जो भारत का जो है बहुत अच्छा दोस्त है, बच्चा जानता है कि रूस भारत का सहयोगी है, दोस्त है। उसने भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और ओबरा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना कराई। और यह संयंत्र बच्चों सिगरौली में है, कोयला क्षेत्र है, जहाँ पे बताया था ना कि ये सब वहीं बनाए जाते हैं जहाँ पे कोयला आसानी से उपलब्ध हो सके। कोयला और जल, बताया ना कोयला जल विद्युत परियोजना होती हैं, और ये सोनभद्र के निकट स्थित है बच्चों, ओबरा जो है ताप विद्युत केंद्र। अगली बात आपसे करते हैं बच्चों, अनपरा की बात करते हैं। तो अनपरा ताप विद्युत संयंत्र की पहली 3 इकाइयों के लिए मशीनरी भेल के माध्यम से, भेल का फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, तो बच्चों द्वारा तथा अन्य 2 जो है इकाइयों के लिए जापान की कंपनी मित्सुबिशी, जापान ने भारत का सहयोग किया है, कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित गई है। आप जानते हैं भारत में जापान के सामानों का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, और जापान के सामान दुनिया में सबसे मजबूत और टिकाऊ होते हैं। अगर आप मजबूती की बात करें तो बेमिसाल है जापान की कंपनियां, जैसे हीरो होंडा भी जापान कंपनी है, आप जानते हैं फिएट भी जापान कंपनी है, जापानी नोकिया मोबाइल है, मतलब जापान की जो भी चीज़ें होती नंबर 1 की चीज़ें होती हैं। ये अमेरिका की तरह जो है इधर उधर सामान नहीं बनाता है, AC नहीं बनाता, मतलब ये चीज़ें बहुत मजबूत बनाता है जो टिकाऊ होती हैं। तो जापान की कंपनी ने क्या किया, अनपरा ताप विद्युत संयंत्र के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई और सहायता भी की। और बच्चों मारुति सुजुकी जानते ही हैं, तब भी थी, आज भी और अभी भी रहेगी, जापानी कंपनी है। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, जिसको बोलते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम बच्चों NTPC की 10 इकाइयां कार्य करती हैं, जिसमें 7 इकाइयां उत्पादनरत हैं और 3 इकाइयां निर्माणाधीन हैं। यानी 10 इकाइयों की स्थापना NTPC में की गई है द्वारा, और जिनमें 7 के माध्यम से उत्पादन बिजली का हो रहा है बच्चों,
और 3 इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है जो निर्माणाधीन है, और जल्द ही इनको तैयार कर दिया जाएगा। तो ये इकाइयाँ कौन कौन सी हैं इसकी बात करते हैं आपसे। अगर बच्चों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो अपने साथियों में शेयर करिए आप लोग, और वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। अगला बताएं आपको कि दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर में स्थित है बच्चों। दूसरा है अम्बाला ताप विद्युत परियोजना बरेली में है, अम्बाला ताप विद्युत परियोजना ये आपका है। अगला है औरैया ताप विद्युत परियोजना, बच्चों ये नाम से ही पता चला, औरैया जनपद में है। ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना, ऊंचाहार कहाँ बच्चों, रायबरेली जनपद में है। ऊंचाहार देखे होंगे आप लोग तो, बहुत ताप यहाँ बिजली उत्पादन केंद्र है। और शक्तिनगर सुपर ताप विद्युत परियोजना, तो शक्तिनगर सुपर ताप विद्युत परियोजना बच्चों सोनभद्र जनपद में है। और रिहन ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है, जो रिहन नदी पर अवस्थित है, सोनभद्र जनपद में है। और टांडा ताप विद्युत परियोजना आपकी अंबेडकर नगर में है। और बच्चों टांडा विस्तार ताप विद्युत गृह जो है का निर्माण किया जा रहा है, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। और जो मेजा संयुक्त ताप विद्युत परियोजना केंद्र है, मेजा प्रयागराज जनपद में स्थित है, मेजा तहसील बच्चों, ताप विद्युत गृह जो है प्रयागराज जनपद में बन रहा है, और बनने से उत्तर प्रदेश का ये जिला प्रयागराज भी आत्मनिर्भर हो जाएगा विद्युत के क्षेत्र में, और इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला बच्चों बिलहर ताप विद्युत संयंत्र, और बिल्हौर ताप विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन है, कानपुर में इसका निर्माण किया जा रहा है बच्चों। और देखिए कानपुर औद्योगिक शहर है, यहाँ पे ऊर्जा की बहुत ज़्यादा खपत है और फैक्ट्रियों के लिए ऊर्जा की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। यहाँ पे पनखी जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, उसके बाद भी इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है बिल्हौर का। इसके बनने से कानपुर में विद्युत का उत्पादन बढ़ जाएगा और विद्युत की आपूर्ति और वितरण भी सही ढंग से हो पाएगा। आपको बता दें कि उत्पादन इकाइयों में औरैया, दादरी, अम्बाला गैस आधारित संयंत्र है, जबकि शेष बच्चों ध्यान देना कि उत्पादन जो इकाइयां हैं जो बिजली का उत्पादन कर रही हैं, इनमें औरैया है, दादरी है, अम्बाला है, ये गैस आधारित संयंत्र हैं, जबकि और इकाइयां जो हैं बच्चों वो कोयला आधारित हैं। तो इस तरह से हमने आपको बताया। और बच्चों देखो आपको बताएं कि ये सरकारी उपक्रम है जो सरकार द्वारा उत्पादन किए जा रहे हैं, तो इसके अलावा कुछ प्राइवेट भी सेक्टर हैं हमारे जो बिजली के उत्पादन में सरकार के लिए, सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और ये कंपनियां बच्चों जो स्वदेशी हैं, भारत के विकास में रात दिन सहयोग करती हैं। तो निजी क्षेत्र में जो परियोजनाएं हैं जैसे रोजा बच्चों ताप विद्युत केंद्र है, तो ये रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहाँपुर में है। यह परियोजना आदित्य बिरला ग्रुप, जिसको हम लोग बिरला समूह कहते हैं, बिरला ग्रुप द्वारा संचालित की जा रही है, परंतु 2006 में इसे रिलायंस ग्रुप ने अधिग्रहित कर लिया। शुरुआत में तो बिरला ग्रुप ने इस लिया था, विद्युत बनाने का काम किया था विद्युत परियोजना का, लेकिन बाद में रिलायंस समूह जो हमारे भारत की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, जो गुजरात में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी है, और इसका जो फाउंडर हैं इसके वो आपके हैं, फाउंडर में हैं प्रमुख रूप से, उनका नाम है धीरू भाई अम्बानी, उन्होंने इसको अधिग्रहित किया था, अर्थात उसका कंपनी का निर्माण कराया था। और फिर अनपरा सी विद्युत परियोजना है, ये बच्चों सोनभद्र में है, और ये लोको कुंडली कोडापल्ली लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई है।
और यह परियोजना अनपरा है जहाँ पे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। और फिर आपको बता दें कि अगला है ललितपुर ताप विद्युत परियोजना, यह है ललितपुर में स्थित है और इसका जो निर्माण किया गया इस योजना को चलाने के लिए वो बजाज ग्रुप द्वारा, बजाज कंपनी द्वारा इसका किया जा रहा है। और अगला है बारा संगम ताप विद्युत गृह, तो बारा संगम जो बारा तहसील में स्थित है प्रयागराज में है और इसकी इस संयंत्र की स्थापना प्रयागराज के बारा तहसील में की जा रही है में है बच्चों, और जेपी समूह द्वारा की गई थी और बाद में इसको टाटा ग्रुप ने इसे अधिग्रहित कर लिया है। तो आज बारा जो तहसील की जो परियोजना है ये टाटा समूह द्वारा संचालित की जा रही है। अगला संयुक्त क्षेत्र के ताप विद्युत गृह, तो संयुक्त क्षेत्र के जो ताप विद्युत गृह हैं उसमें मेजा ऊर्जा निगम लिमिटेड है, मेजा ऊर्जा निगम लिमिटेड ये मेजा में है और प्रयागराज में है, और यह NTPC तथा उत्तर प्रदेश रात विद्युत उत्पादन निगम की संयुक्त तापी परियोजना है जो मेजा में बनाया जा रहा है। और बच्चों अगला है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, और जो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना है ये कानपुर नगर में अवस्थित है और इसमें राज्य सरकार तथा निवेली लिग्नाइट की ये संयुक्त परियोजना है और ये परियोजना को विकसित किया जा रहा है और विकसित होने के बाद काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ऊर्जा इससे प्राप्त की जाएगी। तो इस तरह से ये परियोजना है बच्चों, और जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में है और इससे विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। और बच्चों अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल हो तो ओपन क्लासेस प्रयागराज के माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। उत्तर प्रदेश में पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा स्थापित किया गया। दूसरा क्वेश्चन है कि हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है। तीसरा, मेजा प्रयागराज में कौन सा ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अगला, रिलायंस कंपनी द्वारा निजी रूप से कौन सा ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। अगला है कि अनपरा विद्युत केंद्र कहाँ पर अवस्थित है। अगला, रिहन ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है। और अगला है बच्चों आपका सौर सेल के माध्यम से जो है कितनी ऊर्जा प्रदेश सर को मिल रही है लगभग। अगला है परमाणु के माध्यम से जो ऊर्जा मिल रही लगभग 2 से 3% है परमाणु शक्ति केंद्र के माध्यम से। आपको बताना है पवन चक्की के माध्यम से ऊर्जा जो है कहाँ पे अधिकतम प्राप्त की जाती है, किस राज्य में। और आखिरी क्वेश्चन बच्चों कि NTPC का पूरा नाम क्या है। तीसरा से हमने आपको ये पढ़ाया है और जहाँ पे रिवीजन जो है बच्चों प्लीज़ इसको आप लोग वीडियो को पुश करके देख लें आगे पीछे करके, और अगर आपके लिए लाभदायक हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी के साथ बच्चों वीडियो ख़त्म करते हैं और जय हिंद जय भारत।